हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका। आज काफ़ी दिनों बाद मैं लाइव आई हूँ, और लाइव आने की वजह यह है कि कल मैंने फेसबुक टाइमलाइन में भी शेयर किया है अपना इंसिडेंट कि सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, एंड दिस इज़ माय राइट नाउ टेम्परेचर, इट्स 99.6। एंड आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि हाउ आई एम हैंडलिंग दिस फीवर, बिकॉज आई हैव बीन टेलिंग यू मैनी अ टाइम्स दैट कोरोना वायरस इज़ नॉट अ न्यू वायरस। हम लोगों को पहले भी वायरल फीवर्स होते थे, ये कोई नई बात नहीं है। और अगर मैं मेडिकल लाइन से नहीं होती तो मैं घबरा जाती, और जो लोग अभी ज्वाइन किए उनको मैं दिखा दूँ, दिस इज़ माई अभी का टेम्परेचर 99.6। एंड हाउ इट स्टार्टेड ये मैं आपको बताती हूँ। कल जब मैं मॉर्निंग वॉक से लौटी, तो आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट जस्ट 2 घंटे बाद मुझे सडन बहुत हेडेक होने लगा, और मुझे आँखों में बहुत दर्द होने लगा। इतना दर्द था कि मैं मतलब आँखें खोल भी नहीं पा रही थी, एंड गले में बहुत दर्द हुआ, थूक निकलते वक्त बहुत दर्द हो रहा था। एंड मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि मतलब अगर मेरा बेटा भी मुझसे आके बात कर रहा है तो मुझे उसमें भी चिड़चिड़ापन आ रहा था। मैंने किसी को कमरे के अंदर नहीं आने दिया, देन बिकॉज इट वॉज़ अ नवीन ज्वर। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू वॉट वी कैन डू एट अवर होम। तो जो नवीन ज्वर होता है, नवीन ज्वर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वो लंघन से कर्ब किया जा सकता है, जो महर्षि चरक ने बोला है। तो नवीन ज्वर क्या होता है, मतलब जो 7 दिन के ऊपर का ज्वर होता है वो नवीन ज्वर में नहीं आता। मतलब शुरुआती 7 डेज का जो ज्वर होता है, डैट इज़ नोन एज नवीन ज्वर, और उसको कर्ब करने का बेस्ट तरीका है लंघन। और लंघन क्यों किया जाता है, लंघन मीन्स फास्टिंग। फास्टिंग इसीलिए की जाती है जिससे आपका जो मंदाग्नि है वो ठीक हो सके, क्योंकि आयुर्वेद जो है वात पित्त कफ के अनुसार ही मानता है कि कोई भी आपको रोग होता है, चाहे वो निज और आगंतुज हो, तो आपके इन तीनों दोषों में ही जो है परिवर्तन आता है, जो विकृति आती है वो इन तीनों दोषों में आती है और अग्नि में आती है। बेसिकली जिसको आज लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, वो अग्नि मंदता की वजह से आती है। जब वात दोष प्रकोपित होता है उससे ओजोक्षय होता है। तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड आयुर्वेदा। इसीलिए इसमें महर्षि चरक ने दीपन पाचन द्रव्यों का भी प्रयोग करने को बोला है, जिसको हम षडंग पानीय बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ षडंग पानीय, ये मैं अपना वीडियो ख़त्म होने के बाद कैप्शन में आपको लिख दूंगी कौन कौन से द्रव्य हैं जिसका डिकॉक्शन बना के हम ले सकते हैं। एंड ये द्रव्य हैं मुस्तक, जस्ट फॉर आई वेट फॉर मोमेंट, यस, ये द्रव्य हैं मुस्तक, परपटक, उशीर, सुगंधबाला, शुंठी। शुंठी को हम नागर भी बोलते हैं, एंड शुंठी इज़ एक्चुअली, अगर शुंठी तुरंत, ये सब द्रव्य आपको तुरंत नहीं मिलते हैं, तो जिंजर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, जिसको अदरक बोलते हैं, तुलसी बोलते हैं। तो कल मेरे पास, क्योंकि एक्चुअली मेरा घर रेनोवेट हो रहा है, तो मेरे पास कुछ भी मेडिसिंस थी नहीं, और मैं बिकॉज कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में बागेश्वर में पोस्टेड थी, रिसेंटली मैंने जॉब क्विट की है, तो मेरा क्लिनिक भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मेरे पास मेडिसिंस थी नहीं, तो अदरवाइज आई कुड हैव टेकन द आयुर्वेदिक मेडिसिंस। तो इसीलिए मैंने सिर्फ लंघन को फॉलो किया। मैंने 10 बजे के बाद 6-7 बजे तक मैंने कुछ नहीं लिया, और मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि जो मेरा सोर थ्रोट का प्रॉब्लम था वो एक्यूमुलेट हो रहा था लंग्स में भी, मुझे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी हो रही थी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो रही थी, कंजेशन टाइटनेस महसूस हो रहा था। बट आफ्टर कंप्लीट लंघन देन आई वोक अप, एंड देन मैंने अपने मदर को बोला कि मुझे जिंजर और तुलसी का, और उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती, क्योंकि चाय पत्ती में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं बहुत थोड़ी सी, कम से कम 4-5 दाने होंगे, उसका डिकॉक्शन बनाकर मैंने पिया। और फिर रात को जब हम इसको लंघन को तोड़ते हैं, तो आयुर्वेद में यवागु, पंचकोला आदि द्रव्यों से यवागु बोलने लेने को बोला गया है। यवागु इज़ एक्चुअली बॉइल्ड राइस वाटर, जिसको हम मेडिकेटेड करते हैं पंचकोला आदि द्रव्यों से, तो वो ना लेके, बिकॉज मुझे एंटीबायोटिक खानी थी, क्योंकि मेरे बेटे का भी क्या नाम है, एग्ज़ाम्स चल रहे थे मुझे, और मुझे फील हो रहा था कि मुझे इन्फेक्शन जो है प्रेसिपिटेट हो रहा है, और अक्सर मुझे टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है। ये बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं नॉन मेडिकल होती तो मेरे दिमाग में कोरोना का डर होता, और मैं तुरंत कोविड टेस्ट के लिए भागती, आइसोलेशन वगैरह, मुझे कितनी चीज़ों को झेलना पड़ता। इसीलिए मैं आपसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जो जनरली मैं एंटीबायोटिक हम लेते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मैंने सफिक्सिम सीवी मंगाई, वो भी इसीलिए मैंने, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं मंगवाई, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन यहाँ पास में नहीं मिलती हैं।
जो कि फ़िलहाल मैंने आज मंगवा ली हैं, और वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि कौन सी मेडिसिंस खानी चाहिए किसी भी प्रकार का आपको कोई भी फ्लू लगता है तो। और मैंने सफिक्सिम 200 mg विद पोटेशियम क्लैवलिनेट जो है रात को खाई, लेकिन फास्ट तोड़ने के लिए, मतलब जो फास्टिंग तोड़ने के लिए, मैंने यवागुना बनाकर इसको मैंने मूंग का दाल, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं मुदग्यूष, मूंग की दाल का सूप विद जो रोटी होता है, रोटी का ऊपर का परत खाली, उसको उसमें भिगो के उसको लिया, क्योंकि मुझे एंटीबायोटिक खानी थी और एंटीबायोटिक जो है खाली पेट नहीं खाते हैं। उसको लेने के बाद रात को मुझे बेटर फील होना शुरू हुआ, बिकॉज मैंने लंघन किया था और मुझे मालूम था कि आज मुझको फीवर आएगा, बट फीवर लेने पे पैरासीटामोल नहीं खानी है, बिकॉज फीवर आपके बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि जब आपका बॉडी के जब एंटीबॉडीज़ जो हैं प्रिपेयर करते हैं आपकी बॉडी को उस वायरस से या उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, तो आपका बॉडी टेम्परेचर राइज करते हैं, और उस राइजिंग बॉडी टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया या वायरस कोई भी तरीके का पैथोजन है वो काम नहीं कर पाता, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाता। इसलिए फीवर इज़ फॉर द गुड फॉर अवर बॉडी, फीवर इज़ गुड फॉर अवर बॉडी, आपको उसमें पैरासीटामोल नहीं लेना है। आई टुक एंटीबायोटिक बिकॉज एंटीबायोटिक रूट कॉज को ख़त्म करेगा। एंड वॉट इज द प्रॉब्लम विद आयुर्वेदिक मेडिसिंस? आयुर्वेदिक मेडिसिंस में भी हम रश औषधियाँ यूज करते हैं जो कि एंटीबायोटिक का ही काम करती हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि आयुर्वेदिक मेडिसिंस में देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ना होने की वजह, मैं यहाँ ये बात नहीं बोलूंगी कि कौन सी ब्रांड नहीं लेनी चाहिए, बट द ब्रांड विच आई ट्रस्ट अपॉन इज धूत पापेश्वर, ऊंजा और एनी ब्रांड। एंड नाउ आई एम शेयरिंग विद यू कि आज सुबह मैंने ये मेडिसिन मंगाई है, एंड आई हैव स्टार्टेड टेकिंग इट। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, दिस इज़ फ्लूओसिल, ये आपको इसमें उल्टा दिखेगा बट मैं यहाँ पे आपको नाम जो है बता दूंगी, दिस इज ए फ्लूओसिल। एंड वॉट इट हैज़ इज इट हैज़ सुदर्शन क्वाथ एक्सट्रैक्ट, सुदर्शन क्वाथ का इसमें एक्सट्रैक्ट है प्लस त्रिभुवन कीर्ति रस है। तो दिस इज़ द यू नो बेस्ट मेडिसिन जो मुझे लगता है किसी भी तरीके का फ्लू हो, चाहे वो H1N1 हो, चाहे आप कोविड लें, कुछ भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिस इज़ अ क्योर फॉर कोविड, बिकॉज यू नो आजकल तो बोलना ही, अगर कोई बोल दे कि ये कोविड का क्योर है तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में उसके अगेंस्ट FIR हो जाती है। खैर, बट फिर भी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यू कैन टेक दिस मेडिसिन ए फ्लूओसिल, एंड उसके बाद भी अगर मुझे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और फील हो गई, देन आई विल स्विच ओवर टू कनकासव एज वेल, कनकासव वासा अवले है। सो दीज आर द बेस्ट मेडिसिन, बट आई विल नेवर गो फॉर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एंड ऑल दीज ऑफ लेबल ड्रग्स। वॉट इज हैपनिंग इन द मार्केट नाउडेज कि किसी को भी सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी होता है तो डॉक्टर उसको सीधा कोविड टेस्ट के लिए बोलता है, और जब तक टेस्ट नहीं आता उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इसका इलाज नहीं है कोविड का, वो एक ऑफ लेबल ड्रग है। ऑफ लेबल ड्रग का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो किसी और बीमारी के लिए इंडिकेटेड हैं, पर उनको एज अ ट्रायल किसी ऐसी बीमारी में दिया जाता है जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। और आप आज के डेट में देखिए, आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं भाई 80,000 पेशेंट्स आ रहे हैं कोविड के, ठीक है 80,000 पेशेंट्स आ रहे हैं, तो आप ये देखिए टेस्ट कितने बढ़ गए हैं, 11 लाख जो है टेस्ट का स्कोर हो चुका है। और 80 लाख पेशेंट आने के बाद भी आप देखिए रिकवरी कितनी ज़्यादा बढ़ी है, रिकवरी रेट जो है 77% पहुँच चुकी है, और ये कैसे निकालते हैं मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बता रखा है। और अगर आप देखें तो जो केस फर्टेलिटी रेट है वो 1.7 आ चुकी है, पिछले 2 हफ्ते में इट वॉज 1.9, अब 1.7% आ चुकी है। मैंने आपको पहले भी बोला है बढ़ते हुए आंकड़ों से घबराना नहीं है, जितना बड़ा नंबर होगा उतना कम केस फर्टेलिटी रेट होगा। जाओ सो इसीलिए मैं सिर्फ अपनी बात आप लोगों को शेयर करना चाहती थी कि अगर मेरे घर में भी किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ये नहीं कि हम आपको मैसेजेस दे रहे हैं कोविड से डरे नहीं, तो कि हम भी नहीं डरते हैं, बिकॉज हम उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कोरोना पैंडेमिक से पहले अन्य बीमारियों को ट्रीट करते थे। तो आप बुखार आ जाने से, गले में दर्द हो जाने से पैनिक नहीं होना है। लोग पैनिक हो जाते हैं और अपना शहर छोड़ के गाँव में जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट ट्रू। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने घर में अपने बेटे को आइसोलेट किया या किसी को आइसोलेट किया, जनरल जो हाइजीन है मेंटेन करना होता है वो हाइजीन हम कोविड पैंडेमिक से पहले भी मेंटेन करते थे। मास्क लगा के नहीं घूमते थे ऑब्वियसली, लेकिन अपने झूठे बर्तनों में दूसरों को ना खाने दें, ये सब प्रिकॉशंस करते थे और वही प्रिकॉशंस हम आज भी कर रहे हैं। तो बस मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, आप लोग डरिए नहीं। एंड जब भी कोई नवीन ज्वर होता है तो स्टार्ट
फॉलोइंग आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स, स्टार्ट फॉलोइंग लंघन. लंघन इज अ काइंड ऑफ फास्टिंग. और लंघन कितना करना चाहिए? लंघन उतने घंटे कीजिए जितना आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ हो. और उसके बाद जब भी वो फास्ट आप तोड़ें, जब भी आप वो लंघन तोड़ें, तो बहुत लाइट खाना खाएं. जैसे कि महर्षि चरक ने बोला है, पंचकोल आदि द्रव्यों से सिद्ध यवागु खाने को, मतलब कि मेडिकेटेड बॉइल्ड राइस विद वाटर. और ये यवागु के प्रिपरेशंस कैसे होती हैं सब आपको नेट पे मिल जाएगा बहुत इजीली. आजकल नेट में सब कुछ अवेलेबल है. और यवागु नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, वो द्रव्य नहीं है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हल्का सा मूंग का दाल का सिरप ले लीजिए, सूप ले लीजिए, तो वो आपको जो है बहुत लाइट भी रहेगा. और उसके साथ आप एंटीबायोटिक, मैं एंटीबायोटिक प्रेफर इसलिए करती हूँ क्योंकि कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन आपके लंग्स में प्रेसिपिटेट ना हो, तो इसलिए अच्छा है कि पहले से ही एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दें. तो एंटीबायोटिक्स जो है नहीं खानी चाहिए, बट मुझे लगता है एंटीबायोटिक्स खा लेनी चाहिए. और उसके अलावा आप जब जो फीवर, बहुत पुराने फीवर होते हैं, जैसे किसी को कोई जीर्ण ज्वर है, तो आप उसमें अमृतारिष्ट का सेवन कर सकते हैं. अमृतारिष्ट जो है वो गिलोय से बनती है, और कैसे भी जीर्ण ज्वर हो उसको वो ख़त्म कर देती है. साथ में गिलोय घन वटी का आप यूज़ कर सकते हैं. आई हैव नॉट टेकन गिलोय घन वटी एट, मैंने सिर्फ फ्लुओसेल लिया है जिसमें कि त्रिभुवन कीर्ति रस और सुदर्शन क्वाथ का एक्सट्रैक्ट है. एंड दिस इज़ द बेस्ट मेडिसिन. यू मे राइट इट AFLU-O-CIL. ए फ्लुओसिल और कंपनी का नाम है धूत पापेश्वर. और कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत एडवर्टाइज्ड हैं आयुर्वेद के नाम पे, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी उनका. आई डोंट ट्रस्ट ऑन दोज ब्रांड्स क्योंकि एफिकेसी नहीं रहती है अगर आप ये वाली ब्रांड्स लें तो. फिर आप बदनाम करेंगे आयुर्वेद को कि आयुर्वेद इज़ नॉट यूजफुल. So this is what I want to give you the message in this through this video, and I hope that aap log please panic na kijiye. Jaise pehle aap log ek normal tarike se diagnosis pe aate the, jaise ki complete blood count seedha karwaya, CBC karwaiye, blood culture and sensitivity karaiye, but seedha hi covid test ke liye mat bhagiye kyunki corona ka koi cure nahi hai. Aap WHO ke site pe bhi jaake de sakte hain, there is no cure for covid. Ye log kar kya rahe hain, ye log wo treatment de rahe hain जो इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, जैसे कि ऑफ लेबल मेडिसिन और अनअप्रूव्ड मेडिसिन. अनअप्रूव्ड मेडिसिन वो होती हैं जिनके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स भी पूरे नहीं हुए हैं, जैसे कि रेमडेसिविर, फेविपिराविर, और पहले जो इन्होंने अब ख़त्म कर दिया है क्योंकि उसका बहुत गलत इफेक्ट हुआ, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई, लिपोनावर, रेटोनावर, जो कि HIV की मेडिसिन थी. शुरुआती दौर में अगर आप देखें ICMR का जो प्रोटोकॉल था, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर कोविड, तो उसमें पहले लिपोनावर, रेटोनावर का भी इंडिकेशन था, जो कि अब इन्होंने चेंज कर दिया है क्योंकि काफ़ी लोगों की जो है तुरंत डेथ हुई है इसको लेने के बाद. तो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से. आप किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट जैसे पहले आप डायग्नोसिस करते थे और ट्रीट करते थे, उस तरीके से कीजिए, ना कि पैनिक होके सीधा कोविड टेस्ट करवाने जाइए. थैंक यू सो मच.